हेलो एवरीवन, एनी टाइम शिफ्ट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हो कि सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसे खाने में घर में कोई ना कोई आनाकानी तो करता ही है। ऐसी ही एक सब्जी है हमारी लौकी, जिसे खाने में सभी दूर भागते हैं, लेकिन आज हम उसी लौकी से बनाएंगे एकदम चटपटा और कुरकुरा नाश्ता, जिसे खाने के बाद सभी लौकी के दीवाने हो जाएंगे। और इस तरह से बनाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें लौकी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए इस लौकी के चटपटे नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप कद्दूकस की हुई लौकी ली है। लौकी का छिलका हटाकर ग्रेटर से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। साथ ही में लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा इसका रस होता है, जिसे हम हाथों से निचोड़ कर निकाल देंगे। और फिर इस रस को हम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें सिर्फ कद्दूकस की हुई लौकी चाहिए बिना रस के। अब इस कद्दूकस की हुई लौकी को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे ये 1 चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो बिना प्याज के भी इसे बना सकते हो, लेकिन प्याज से इसमें बहुत अच्छा क्रंच आता है। साथ ही मेरे पास ये फ्रेश मटर है जिसे मैंने क्रश करके लिया है। तो 2 से 3 टेबल स्पून क्रश किए हुए मटर के दाने डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर सीजन में है तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इसके बिना भी हम बना लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 चॉप की हुई हरी मिर्च। यहाँ पर अगर बच्चों के लिए आपको बनाना है तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हो। फिर मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून अदरक क्रश किया हुआ, और इन सभी को हम एक बार इस कद्दूकस की हुई लौकी में मिला लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, साथ ही साथ 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर डाला है। और अब इसे एकदम मसालेदार और चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 चुटकी हल्दी का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ये जीरा। और जीरा के साथ ही इसमें मैं डालूंगी ये 1 टीस्पून हल्का क्रश किया हुआ दरदरा सा ये धनिया के बीज। अब इसे और चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 टीस्पून चाट मसाला, या फिर अमचूर का पाउडर मिला सकते हैं। और फिर डाल दिया है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन मसालों को भी हम इन सभी चीज़ों में अच्छे से मिला देंगे। ये सभी मसाले हमारे इस लौकी के स्वाद को एकदम सही से कवर कर लेंगे और एकदम चटपटा हमारा नाश्ता बनकर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे ये 1/2 कप बेसन, जो कि अगर हल्का सा दरदरा पिसा हुआ होगा तो और भी ये अच्छे से कुरकुरे बनेंगे। साथ ही बेसन के हम इसमें डालेंगे ये 2 से 3 टेबल स्पून सूजी। यहाँ पर सूजी और बेसन हमें इस अकॉर्डिंग डालना है जितना कि हमें ज़रूरत हो। और अब इसमें मिलाया है हमने नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इसे हम अपने हाथों से हल्के हल्के से दबाते हुए मिलाएंगे, और इसे हमें एकदम सॉफ्ट डो की तरह तैयार करना है। अगर और ज़रूरत हुई तो हम इसमें और बेसन मिला सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से एकदम सॉफ्ट डो की तरह ये तैयार है। और अगर हम इसे हाथों में इस तरह से चेक करें इसकी बॉल बना करके, तो ये एकदम सही है, मतलब हमने इसे सही से बनाया है। यहाँ गैस पर इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रखा है। इधर हम अपने हाथों पर हल्का सा तेल लगाएंगे, और 1 टेबल स्पून जितना हम ये लौकी का डो अपने हाथों में लेंगे, और इसे हमें हल्के हल्के से ही दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से इसे नहीं दबाना है, नहीं तो लौकी का एक्स्ट्रा जूस बाहर आ सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए, इस तरह से इसे मैं एक टिकिया की शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं प्लेट में कुछ लौकी की टिकिया बनाकर रख लूँगी, और फिर जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, एक एक टिकिया हम धीरे से उठाएंगे और इस गर्म तेल में डालेंगे। यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, नहीं तो ये बाहर से तो अच्छे से फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। साथ ही साथ अगर कम गर्म तेल में हम इन्हें फ्राई करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो मीडियम हॉट ऑयल में अच्छे से इन्हें फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर तक इन्हें इसी तरह से फ्राई होने देंगे। जब ये हल्की हल्की फ्राई हो जाएगी तब हम इन्हें चम्मच से पलटेंगे, जिससे इनकी शेप भी ख़राब नहीं होगी और ये एकदम सही से फ्राई हो जाएगी। और इन्हें हमें अच्छे से कुरकुरा होने तक और इनका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, अब हमारी लौकी की टिकिया एकदम अच्छे से फ्राई है, बाहर से ये कुरकुरी है और इनका कलर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन है। तो इन्हें निकाल लेंगे किचन टिश्यू पर, और सभी लौकी की टिकिया हम बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इस लौकी की टिकिया के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम जल्दी से इसके लिए एक चटनी या डिप बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मीठी दही ली है, जिसमें मैं थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ, साथ ही 2 चुटकी जितनी रेड चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च का पाउडर मिला लेंगे, और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है,
और अब इसमें हम डालेंगे ये 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, जिससे खट्टा और चटपटा एकदम बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो बस इन सभी चीज़ों को हम जल्दी से मिला लेंगे। ये हमारी टिकिया के लिए चटनी बनकर तैयार है, तो अब बस सभी चीज़ों को हम जल्दी से सर्व कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे लौकी के नाश्ते की स्वाद से भरी प्लेट अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसे बनाइए, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता। लौकी की टिकिया का स्वाद बहुत ही अच्छा है, तो आप भी इसे बनाइए, इसे इंजॉय करिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल ETYUMMYSHES को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस लौकी की टिकिया विद दिस टेस्टी डिप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ETYUMMYSHES।